हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एप्पल मिल्क शेक की रेसिपी, जो बहुत ही हेल्दी होता है और पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक गिलास एप्पल मिल्क शेक के लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का एप्पल ले लिया है। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इसे इस तरह से पहले कट कर लेंगे। इसके बीच का जो ये है, इसे हम निकाल के हटा देंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, जिससे कि इसे ग्राइंड करने में थोड़ा इजी हो जाए। देखिए सारे पीसेस मैंने कर लिए हैं। इसे हम बोल में निकाल के रख देंगे। इसे हम साइड में रख देंगे। और इसके बाद हम ले लेंगे एक मिक्सिंग जार। इसमें हम डाल देंगे एक कप दूध। यहाँ पर मैंने बिल्कुल ठंडा दूध दिया है इसमें, इसलिए मैं इसमें आइस नहीं ऐड करूँगी। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर का दूध ले रहे हैं तो आप इसमें थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े भी ऐड कर दें। इसके बाद इसमें डाल देंगे कटे हुए सेब। और यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी ऐड किया है, पिसी हुई चीनी। इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और इसके बाद हम ले लेंगे कोई सा भी टॉल ग्लास, इसमें हम इसे सर्व करेंगे। और अगर आपको दालचीनी का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें 1 चुटकी दालचीनी ऐड कर दें। एप्पल का और दालचीनी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। और इसे हम गार्निश कर देंगे थोड़ी सी स्लाइस के हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ। आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं अपने पसंद का। और थोड़े से डाल देंगे चॉप किए हुए सेब। तो बस ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी। आप इसे बच्चे को, बड़ों को, किसी को भी सर्व कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।